देखो आज पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी, मतलब कब फंक्शन है असतत, सांतत्यता कब फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूट होता है असतत होता है। देखो यदि कोई फंक्शन पे हमने पढ़ा था कंटिन्यूस कब होगा, जब वैल्यू और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ये कौन सी है, राइट हैंड फंक्शन की, और ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ठीक है, ए माइनस हो गया, ए प्लस हो गया, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, ये जब इक्वल हो जाए तो क्या कहते हैं फंक्शन, क्या है बताओ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, इज दैट क्लियर। अब देखो मेरी बात समझ में आई नहीं है, अब जब ये इक्वल नहीं हो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। या तो आपको इसमें कैसेस कैसे बनेंगे, एक एग्जांपल ले लिया आपने, इसमें बोल दिया ये फंक्शन दे दिया आपको साइन वन अपॉन एक्स, ये फंक्शन होगा जब एक्स क्या हो नॉन जीरो हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे एक्स टू जीरो पे पूछ लिया इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है, ये सिर्फ उस एक ही क्वेश्चन दिया आपको, सिर्फ क्या बोला है फंक्शन आपका ये होगा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जीरो प्लस के लिए आपका ये काम आ जाएगा, जीरो माइनस के लिए काम आ जाएगा, बट एक्स इक्वल टू जीरो को कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो एक तो हो गया आपको दिया ही नहीं, एक आपका हो गया, और एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स ले लिया, ठीक है, मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स ले लिया और पूछ लिया क्या यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे पूछ लिया, ठीक है, और साथ में आपको पता है, एक मिनट उसमें जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा फंक्शन, चलो दो का ले लेते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए तो ये ले लिया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एट एक्स इक्वल टू जीरो पे उसने दे दिया, समझ लिया आपने जीरो दे दिया, ठीक है, ये फंक्शन आपका ऐसा दे दिया उसने, मैं ऐसे रैंडम केसेस बना रहा हूँ, तो देखो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, आपको मैंने बता रखा है उसमें ये पॉजिटिव एक्स होता है जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, और ये नेगेटिव एक्स की तरह काम करता है जब एक्स क्या हो जीरो से छोटा, जैसे एक्स की वैल्यू माइनस वन ले ली तो उसके लिए ये काम आएगा, तो यहाँ एक्स या माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, मतलब इट मीन्स इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। तो अब यहाँ से पहला ले लिया राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ले लिया लिमिट, ठीक है, और यहाँ ले लिया आपने मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, तो इस बार ये नीचे वाला एक्स है ना ये पॉजिटिव है क्योंकि ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, पर बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और ऊपर वाला मॉड्यूलस एक्स है वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस एक्स तो एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स क्या गया वन आ गया, और दूसरी बार क्या हो गया राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी माइनस जीरो आ गए, तो मॉड्यूलस एक्स अपॉन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो इस बार ऊपर वाला तो क्या है मॉड्यूलस एक्स में तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, पर नीचे माइनस एक्स तो माइनस वन होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो एक में मिल रहा है क्या माइनस वाला, दूसरे में क्या मिल रहा है पॉजिटिव वाला, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, तो ये इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने कहा इन में से कोई भी चीज या तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करे या ये इक्वल नहीं हो, इसको एक बार कर लो, या तो ये इक्वल नहीं हो जाए या ये इक्वल नहीं हो या किसी का इन्फिनिटी आ जाए, तो ये क्या चीज़ होती है आपकी डिसकंटिन्यूटी, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है, अच्छे समझ में आ गया, और भले ही समझ लो यहाँ आपका एफ एक्स इक्वल टू ले लिया, एक और एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू, ये कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसको महत्तम पूर्णांक फलन होता है, इसका क्या मतलब होता है एट एक्स इक्वल टू वन पे,
इसका मैंने आपको बताया ना, सीढ़ियां वाला ग्राफ बनता है। हर एक इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। क्यों होता है? एक्स इक्वल टू वन पे चेक करा तो इस फंक्शन में आपको पता है क्या होता है, जब ये आपका एक्स है जीरो से वन के बीच में है, ठीक है, जीरो और वन के बीच में, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और माइनस वन हो जाएगी जब माइनस वन और जीरो के बीच में है, ठीक है। वन हो जाएगी जब क्या हो जाएगा बताओ, वन और टू के बीच में है। इट विल बी जस्ट लाइक दिस, कोई बात मतलब करवाए हुआ नहीं आपको। तो अब यहाँ से बस मैं इसको सीधा ही क्वेश्चन दे दूँ, एट एक्स इक्वल्स टू वन पे पहले एफ ए क्या होगा, तो वन लोगे तो एफ वन में यहाँ वन लिखोगे और वन के पास वाला पीछे वाला इंटीजर है वो वन ही होगा, यू नो दिस, वन आ जाएगा। और फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, मतलब वन से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू यहाँ लिखोगे, सीधा में एफ एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, क्योंकि वन से टू के बीच तक कोई भी वैल्यू लो यहाँ आ जाएगा। पर जैसे ही मैंने लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस लिखा और यहाँ लिखा एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ वन से थोड़ा सा छोटा है, होते ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये दोनों इक्वल नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप होती है आपके, जब ये फर्स्ट टाइप के ही एग्जांपल है दोनों। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप क्या होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, दोनों क्या हो, एग्जिस्ट कर जाए और दोनों क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप हो जाएगी। एग्जैक्टली ये दोनों उसी के एग्जाम्पल है, मैं आपको करवा देता हूँ, दो ए ये आपके उसी में लिख देना है, या फिर मैं इसको ही बना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट। प्रथम प्रकार कैसे क्या मैं लिखूं, ठीक है, बैक लिमिट एक्सटेंडिंग एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस बोथ एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का क्या मतलब है, एक फाइनाइट वैल्यू देगा दोनों, एंड नॉट इक्वल, आपस में क्या नहीं हो, इक्वल नहीं, इट इज सैड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। ये प्रथम प्रकार की असत्ता कहलाएगी यदि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों विद्यमान होगी तथा क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। इसके बेस्ट एग्जांपल कौन से रहे, ये दोनों हो गए, ये आपका सेम ही टाइप हो गया। अब बात होती है एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, वो सामने आपका फंक्शन, ये सांतत्यता है, सततता नहीं, सांतत्यता। देखो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी वो होती है कि आपकी कोई भी फंक्शन दे रखा है वो डिसकंटिन्यूटी, उसे कैसे करके सांतत्यता, ये मेरी बात समझ में आई ना, ये किसके एग्जांपल है, इसके हैं। अब बात करता हूँ यहाँ से, यहाँ से अलग में एक छोटा सा पोर्शन है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसका एग्जांपल ले लिया, मैं अभी समझ जाऊँगा आपको, एक्स क्यूब माइनस वन है, एक्स माइनस वन है, जब x क्या हो, नॉन नॉट इक्वल्स टू वन, ऐसे अपने कंटिन्यूटी में क्वेश्चन करे थे और इसकी वैल्यू दे दी वन व्हेन x इक्वल्स टू क्या हो, वन। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए आपके कौन सा फंक्शन काम आएगा, यही काम, ठीक है। ऐसे लिमिट ले ली, x टेंडिंग टू क्या करा, वन प्लस लिया या फिर क्या ले लिया, वन माइनस लिया, मैं एक कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन,
आपको पता है यहाँ पे सीधा मैंने कहा यदि इन्फिनिटी नहीं बने तो आप सीधा ही पुट कर सकते हो, इन्फिनिटी बने तो कैसे ही करके आपको उसको रोकना है। तो वन रखा, वन माइनस वन जीरो बन गया, वन माइनस वन जीरो बन गया, तो अपन को कैसे दिमाग लगा कर क्या करना है, इसको हटाना है। तो ऊपर वाला है उसका क्या करा, फैक्टराइज करा लिमिट वन प्लस। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये दो फैक्टर बन गए। एक्स माइनस वन ये कैंसिल हो गया ये, और यहाँ वन वन पुट करा नहीं बन रहा, जीरो थ्री। तो ऐसा ही सेम होगा वन माइनस के लिए, वही क्योंकि वन वन पुट नहीं करेंगे, फैक्टर करेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे और थ्री आ जाएगा। तो इस दोनों की वैल्यू थ्री आ रही है। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है ऐसी जो आपकी डिसकंटिन्यूटी जिसमें इस पोर्शन को, इसको जैसे आप रिमूव करके क्या करोगे थ्री कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी। बस आप एक छोटी सी चीज़ें, मेरी बात समझे या नहीं समझे, जैसे फंक्शन की वैल्यू वन रिमूव करके थ्री कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। इज दैट कौन सी कंटिन्यूटी है, ये रिमूवेबल कंटिन्यूटी। फर्स्ट टाइप की कंटिन्यूटी कौन सी है बताओ, बताओ अच्छा अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप, जिसमें क्या हो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे। ठीक है भाई, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। प्रकार की व्हेन एनी ऑफ, या फिर सीधा लिख दो लिमिट्स ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आए ही नहीं, इट इज सेट टू बी, तो क्या हो जाए सीधा ही वो ऊपर है डिसकंटिन्यूटी। द्वितीय प्रकार की असंततता, जब किसी फलन की सीमा विद्यमान ही नहीं हो तो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रकार की असंततता हो जाएगी। अब देखो इसको, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका एफ एक्स फंक्शन, ये आपका लिखा साइन वन बाय एक्स, और यहाँ ले लिया आपने, ले लिया जब x इक्वल टू क्या हो जीरो हो, और ये ले लिया x इक्वल टू नॉन जीरो, नॉन जीरो हो तो आपको पता है वन अपॉन जैसे जीरो करोगे इन्फिनिटी मिल जाएगा। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है कि यहाँ जब इन्फिनिटी, ठीक है यहाँ कोई भी वैल्यू हो तो आपको पता है x की वैल्यू कुछ भी हो, आपको याद हो तो ऐसा अपन ने क्वेश्चन करा था जहाँ मैंने x की पावर m लिखा था और मैंने बोला m पॉजिटिव के लिए ये कंटिन्यूस होगा और m नेगेटिव और जीरो के लिए, आगे और लूंगा मैं आज। तो इसका मतलब वहां इंटरवल लिया था पर आगे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसीलिए वो जीरो बन रहा था। अभी मुझे पता है नॉट इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन है और इसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में आ रही है, पर मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता थोड़ी चल रही है, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू ना तो राइट हैंड लिमिट की है ना मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू किसकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की है। तो दोनों लिमिट इसकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये कौन सा टाइप हो गया बताओ डिसकंटिन्यूटी का, सेकंड टाइप हो गया, जब क्या हो जाए दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करे। ठीक है समझ में आया नहीं है, देखो अब मिक्स डिसकंटिन्यूटी हो गई, मिक्स डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है दोनों में से क्या करे एक चीज एग्जिस्ट कर जाए, क्या कर जाए, मैं इसमें ही लिखाऊंगा डिसकंटिन्यूटी सेकंड मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिश्रित असंततता जिसमें क्या हो जाए दोनों में से एक ही। तो इसको देखो, इसको लिख दिया आपने जीरो से छोटे के लिए और इसको लिख दिया जीरो या जीरो से बड़े के लिए, तो समझ रहे हो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी।
मिश्रित असंतृप्तता। ठीक है, व्हेन लिमिट ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हो गया व्हेन वन ऑफ वन वन लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। वन लिमिट का क्या मतलब होगा, राइट हैंड दाई सीमा या बाई सीमा में से एक विद्यमान नहीं हो, इधर इट माइट बी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन ले लिया आपने तो यहाँ पे देखो जीरो जीरो से बड़े के लिए हो जाएगा, जैसे जीरो से छोटा लिया उसके लिए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत है क्या? एकदम ईजी है। अब मेरी बात समझिए ना, तो इस पर कौन सी साइड राइट हैंड लिमिट क्या होगी बताओ, और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बता दो। हाँ, इन्फिनिटी आ जाए, जैसे टेन वाला ग्राफ हो जाए, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाले हो जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो तो इनफाइनाइट बस एक ही बची है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, अनंत असंतृप्तता। ठीक है, ये सेड टू बी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ यहां पे लिमिट क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इन्फाइनाइट, क्या आ जाए, इन्फाइनाइट आ जाए। इसका तो इजी सा ले लो, वन अपॉन एक्स ले लो, एक्स ले लिया और ये ले लिया वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, और के ले लिया एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे तो हो जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा, जैसे ही नॉन जीरो करोगे तो वन अपॉन वो जीरो लिखते गया इन्फिनिटी में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यू, जिसमें क्या हो जाए लिमिट है वो क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ेंगे अपन कुछ जो फंक्शन है, टेन का इसमें बना सकते हैं ना अपन, टेन भी क्या है पाई बाय टू पे इन्फिनिटी देता है, तो टेन भी आपका वही फंक्शन है इनफाइनाइट कंटिन्यूटी वाला। फिर अपन क्या करते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेन का एक समझा देते हैं। टेन का आपने लिया वाई इक्वल्स टू क्या ले लिया, टेन एक्स। तो यहाँ पे आपको पता है टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और टेन की पाई बाय टू पे वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी की तरफ ऐसे होता है, टेन माइनस पाई बाय टू पे क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है, समझ गए ना। और फिर वापस है ना पाई बाय टू से जैसे ही बड़ा होता है वो इस साइड हो जाता है, ये ऐसा ग्राफ होता है। तो यहाँ पे एट टू एन प्लस वन पाई बाय टू, ठीक है, जहाँ n क्या हो जाए, z हो जाए, tan x is discontinuous। At x equals to, हर एक जो ऑड पाई है वहां पे tan x क्या है, इन्फिनिटी लिमिट देता है, तो इन्फिनिटी लिमिट देता है मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। इसका सम इम्पॉर्टेंट डिसकंटिन्यूस फंक्शन, अब देखो इम्पॉर्टेंट डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन से हैं। तो पहले तो अपन ने ले लिया y इक्वल्स टू वन अपॉन x, तो सम इम्पॉर्टेंट डिसकंटिन्यूस
तो मेरे को पहला आपने ले लिया y equals to 1 upon x, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट से बताओ y equals to, बिल्कुल सही है, at x equals to 0 पे इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये लाइन आएगी, ये समझ लिया x, ये समझ लिया y, तो आपको पता है कि जब x 0 हो y इंफिनिटी, y 0 हो x इंफिनिटी, ऐसा बनेगा। और x 1 पे y 1, x 2 पे भाई ये यही तो है, x 2 लोगे तो y 1/2, तो x 2 y 1/2, x 3 y 1/3 से कम होता जाएगा, और x ले लिया इंफिनिटी तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही पैटर्न ऐसे बनेगा। दूसरा, जैसे ही x को नेगेटिव लिया, x लिया माइनस वन, वाई भी क्या हो जाएगा माइनस वन, तो यहाँ पे ये x माइनस टू वाई माइनस वन बाय टू, एग्जैक्टली ऐसा बनेगा ऐसा। तो ये कहाँ पे टूट रहा है, ये x इक्वल टू जीरो पे टूट रहा है भाई, देखो आ रहा है ना, ये चल रहा है पैन उठाना, फिर उठाना पड़ रहा है ना इसको बनाने में, मेरी बात समझे, तो ये x इक्वल टू जीरो पे क्या है ये कर्व डिसकंटिन्यूस है। और दूसरा ले लिया y इक्वल टू साइन वन अपॉन x, यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन वन अपॉन x, ये भी कहाँ पे है, एट x इक्वल्स टू क्या जीरो पे लिख दिया, तो साइन इन्फिनिटी है, साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी, बट यार आपको पता थोड़ी चलता है इसकी वैल्यू है क्या, मेरी बात समझ रहे हो ना, इसका भी आपको क्या है नो आइडिया। एक ले लिया e की पावर वन अपॉन x, थर्ड ले लिया y इक्वल्स टू e की पावर वन अपॉन x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है बताओ, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, x इक्वल्स टू जीरो पे ये सीधा आपका इंफिनिटी चला जाएगा, तो यहाँ पे वन अपॉन x का बना रहा हूँ मैं, ठीक है, e की पावर x का बना देता हूँ, y इक्वल्स टू e की पावर, या चलो अलग अलग बना देता हूँ, पहले e की पावर x का बना देता हूँ, फिर e की पावर क्या करूँगा माइनस x बना देता हूँ, तो पहले y इक्वल्स टू e की पावर x, ये रहा x इक्वल्स टू वन लिया, x वन पे y क्या हो जाएगा, पहले तो x इक्वल्स टू जीरो पे, जीरो पे y ले लिया, यहाँ वन आ गया, और वन पे ये टू पॉइंट कुछ आ गया, थ्री पे ये ऐसे, e की वैल्यू होती है 2.71 कुछ होती है, तो जैसे जैसे e की वैल्यू बढ़ाओगे ना y उससे ज़्यादा बढ़ता रहेगा, दिस इज फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू e की पावर x, भाई माइनस थ्री करा तो माइनस का वन अपॉन e क्यूब हो जाएगा, e क्यूब मतलब आपका एट के आसपास आएगा, तो वन अपॉन एट, जैसे जैसे x की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव बढ़ेगी, मेरी बात समझे या नहीं समझे, और e की पावर यहाँ क्या करा है, e की पावर वन अपॉन x है, e की पावर ये वन अपॉन x हो गया, वन अपॉन x का क्या मतलब होगा, x जैसे जैसे वन लिखा e जीरो लिखा, जीरो पे क्या हो जाएगा सीधा इन्फिनिटी हो जाएगा, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी मतलब क्या होगा इन्फिनिटी, अब लिया वन, x इक्वल्स टू वन पे आपका फंक्शन क्या है, वन पे y की क्या है 2. ये कुछ है, ठीक है, और x इक्वल्स टू टू लिया तो e की पावर क्या हो जाएगी, ये रूट है तो मतलब और कम हुआ, ठीक है, और e की पावर 3 ली तो 3 पे क्या हो जाएगा 1/3, तो और कम जैसे जैसे बढ़ाना, ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये पूरा फंक्शन कम हो रहा है, तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, दिख रहा है ना सामने, तो आप पॉइंट करके ये भी कहाँ कंटिन्यू, ठीक है, इनफाइनाइट आ रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट। अब टैन वाला तो हमने लिख लिया था, टैन वाला भी इसमें शामिल कर सकते हो आप, तो भाई टैन वाला, अब देखो एक आपको पता है मॉडुलस एक्स वाला भी नहीं है, ठीक है, मॉडुलस एक्स वाला भी कहाँ पे, जीरो पे है ना, तो ये फोर्थ आप कर लिया मॉडुलस एक्स, y इक्वल्स टू मॉडुलस x अपॉन x कर दिया, ये भी कहाँ है, एट x इक्वल्स टू जीरो पे क्या है डिसकंटिन्यूस। अब इन सारे एग्जांपल्स को अपन चेंज कर दें, और ये सारे आपको मैंने चारों बताए हैं, यहाँ ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ये x इक्वल्स टू जीरो पे है, तो इनका है ना जो जीरो से इनको कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, तो कैसे मैं अभी बताता हूँ, देखो यदि आपने y इक्वल्स टू x की जगह
पहला ले लिया एक 1 2 3 4 5 आपने ले लिया वाई वन अपॉन एक्स ले लिया तो जहां x अब ये कहां पे डिसकंटिन्यूस ये x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि वही इंफिनिटी आपको कहां मिलेगी a पे मिलेगी यहां पे x इक्वल टू a पे और 6 क्या हो जाएगा y इक्वल टू sin 1 अपॉन x माइनस a हो जाएगा ये कहां से a पे 7 कहां हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर e की पावर 1 अपॉन x माइनस a हो जाएगा ये कहाँ पे a पे है 8 कहाँ हो गया y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x माइनस a तुम समझे ना क्या हुआ है रिप्लेस कर दिया जैसे अब इसका देख लिया ना तो a जैसे 0 से छोटा होगा यहाँ नेगेटिव बन जाएगा 0 से बड़ा होगा तो 1 छोटे के लिए माइनस 1 ये सारे कहाँ पे हो जाएंगे एट x इक्वल्स टू कहाँ कोई दिक्कत है क्या कोई परेशानी इजी है या नहीं एकदम इजी है क्योंकि सारे एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं ठीक है ना अब वापस टैन वाला लिखने की जरूरत है क्या नहीं या लिखे हैं ट्रिगो वाले एक मुझे बताओ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिसकंटिन्यूस होंगे साइन होगा क्या सिंपल में जीरो के अलावा देखो साइन नहीं होगा क्योंकि साइन का ग्राफ बनाते हैं ना तो कहीं से टूटता ही नहीं है चलता ही रहता है तो साइन कहीं पे नहीं है नहीं है ना अब देखो फिर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं जो डिसकंटिन्यूस नहीं होंगे साइन का नहीं है कॉस का नहीं है टेन का है कॉट का है टेन और कॉट का है क्योंकि आपको पता है टेन पाई बाय टू पे अभी मैंने प्रूव करा था कॉट का है फिर आपको पता है साइन और कॉस में क्या बनता है जीरो बनता है तो इनका रेसिप्रोकल क्या होता है साइन का कॉसेक होता है तो समझ गया इन्फिनिटी बन जाएगा और ऐसे पता है ना ऊपर उसका ग्राफ ऐसे बनता है कॉसेक का और कॉसेक का हो जाएगा वापस और एक किसका हो जाएगा सेक का ये दोनों कहाँ पे अब देखो पहला हम ले रहे हैं तो ये अब देखो 8 हो गए ना 9 आपका हो गया y इक्वल्स टू 10x कहां पर डिस्कस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे जहां x n क्या है z है मतलब इंटीजर है 0 लिया प्लस के पाई बाय 2 पे है माइनस का 1 लिया n तो माइनस का पाई बाय 2 आ जाएगा और प्लस का 1 लिया 3 पाई बाय 2 आ जाएगा हर एक पाई बाय 2 पे और इवन सारे अब यहां लिया वापस अब देखो पहले बताओ cos 90 क्या होता है cos 90 क्या होता है जीरो होता है ठीक है और इसका मतलब sec 90 क्या होगा 1/0 तो यहां पे y इक्वल्स टू ले लिया sec और यहां ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि cos कहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस समझ गया ना यहाँ पे क्या हो रहा है सारा जीरो हो रहा है तो जहाँ जहाँ cos जीरो होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी आते ही डज नॉट एग्जिस्ट है ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो फिर कैसे होगा कंटिन्यूस कंटिन्यूस के लिए लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए इक्वल भी होनी चाहिए समझ में आया ना अब बात करा 11 अब बात करो cot का y इक्वल टू ले लिया कॉटेक्स कॉटेक्स बताओ कहां पे 90 पे नहीं कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है 10 जीरो क्या होता है जीरो होता है तो कॉट जीरो क्या हो गया इंफिनिटी हो गया 10 पाई जीरो माइनस पाई सारे जीरो होता है जहां जहां 10 जीरो होता है ये क्या हो जाएगा n क्या z हो जाए जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा पाई माइनस टू पाई समझ गया ना यहाँ और यहाँ पे ही क्या हो रहा है y इक्वल्स टू cosec x
क्योंकि साइन भी जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो कॉसेक क्या वन अपॉन साइन होता है, कॉसेक जीरो वन अपॉन साइन जीरो मतलब। और यहाँ 13 ये मैंने नहीं बताना है क्योंकि मैंने इसका ग्राफ भी बता रखा है, कौन सा है महत्तम पूर्णांक फलन, क्या लीस इंटीग्रल फंक्शन नहीं है, क्या होगा इसका बताओ, एट एवरी इंटीजर, ये हर एक इंटीजर पे होगा क्या डिसकंटिन्यूअस, ये भी होगा क्यों, यदि समझ लिया वन लिया, वन पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यहां वन ही आ जाएगी, समझ में आया, पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। अभी क्वेश्चन करा ये सेम लिया, वन पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, ठीक है, वन से बड़े के लिए राइट हैंड लिमिट ये भी वन जीरो है, वन से छोटा लिया तो ये तो वन से छोटा, फिर वो नाइन नाइन करके वापस वो वन ही हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, समझ गए ना, ये भी आपको exactly, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ 15 और लास्ट ये आपको मैंने करवा रखा है, एक्स की पावर एम साइन वन अपॉन एक्स, और यहाँ क्या ले लिया जीरो ले लिया, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा, कंटिन्यूस का आपको मैंने बताया था m पॉजिटिव के लिए, m पॉजिटिव होगा भाई तो ये जीरो की पावर पॉजिटिव मतलब जीरो ऊपर रहेगा, मेरी बात समझे नहीं समझे, m क्या होगा पॉजिटिव होगा तब ये यहीं पर, नेगेटिव हो गया तो m वन अपॉन x बन जाएगा यहाँ पे, और वन अपॉन x बन गया तो नीचे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, और नीचे जीरो आते क्या क्या हो जाएगी गड़बड़, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो m नेगेटिव चलेगा नहीं, तो m नेगेटिव के लिए हुआ ना डिसकंटिन्यूस, नहीं हुआ क्या, और जीरो पे देखो x इक्वल्स टू जीरो पे तो जीरो पे हो जाएगा ये कंटिन्यू, x इक्वल्स टू जीरो पे तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, अब x इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वैल्यू का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ किसका वैल्यू पता चल रहा है, यहाँ x की जगह जीरो लिखना है, ठीक है, तो चलो x जीरो का तो नहीं है, ये पूरा m पे डिपेंड करेगा, ये m पे डिपेंड करेगा, तो m जब क्या हो जाए, m जब जीरो होगा तब भी हाँ डिसकंटिन्यूस होगा, तो m जीरो और जीरो से छोटी भी नहीं, मैं बता दूंगा, देखो जीरो x को तो बात करनी नहीं है, x को जीरो पे चेक करनी है, ये फंक्शन दिया हुआ है कि x जीरो पे कंटिन्यूस कब होगा, तो अब m या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो होगा, m पॉजिटिव हो गया तो यहाँ ये x ऊपर रह जाएगा, रहा या नहीं, तो उससे मैंने आपको बताया यहाँ ये जीरो इंटू क्या बना देगा जीरो, जीरो पे वैल्यू जीरो कंटिन्यूस हो जाएगा, जीरो से छोटे के लिए आपको बता दिया कि m नेगेटिव है, वन अपॉन x की पावर m हो जाएगा, एनी नंबर अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ किसका, x इक्वल्स टू m इक्वल्स टू जीरो, x की पावर जीरो हो गया, यहाँ वन बन गया, यहाँ सिर्फ ये बन गया, और ये साइन वन अपॉन x, x टेंडिंग टू जीरो पे तुम्हें पता नहीं है, ये ड्यूरेशन मिलेगा माइनस वन से वन तक जो अंतराल है वो मिल जाएगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मिलेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया सारा प्रॉपर, आया नहीं आया। अब इसका क्वेश्चन ले लें, कुछ एक फंक्शन लो, ये एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन मॉड्यूलस लॉग एक्स का, ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ये लॉग के अंदर मॉड्यूलस एक्स है, तो एक सेकंड इज डिसकंटिन्यूस एट, पहला ऑप्शन वन पॉइंट, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, दूसरा टू पॉइंट्स, दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तीसरा थ्री पॉइंट्स, और चौथा फोर पॉइंट्स, नहीं इनफाइनिट पॉइंट्स, बताओ
लॉग एक्स का ग्राफ पता है आपको? नहीं, लॉग वन की वैल्यू थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में तो पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, टेन की वन होती है, इज दैट क्लियर? टेन बेस पे बात करें, मैं बता दूंगी, देखो लॉग एक्स का जो ग्राफ बनता है एक्स इक्वल्स टू वन पे, जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है? अब देखो नीचे वाला जहां जीरो बन जाएगा, नीचे वाला तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ ही जाएगा, तो एक तो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है? और लॉग जीरो पे कभी फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसा होता है। एक सेकेंड, ऐसा, ठीक है? लॉग इन्फिनिटी के वैल्यू पे इन्फिनिटी होते हैं, लॉग जीरो के माइनस इन्फिनिटी, कभी भी जीरो पे लॉग एग्जिस्ट करता ही नहीं। और अब यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस लगाया हुआ है तो मैं अंदर एक्स नेगेटिव लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की वैल्यू तो सेम ही मिलेगी, भले माइनस एक्स दिया है यहाँ पे तो भी क्या बनेगा? लॉग प्लस, तो वाई की वैल्यू तो यही आनी है यहाँ पे, तो एक्स नेगेटिव से ये एग्जैक्टली आपका ऐसा कर्व है, ठीक है? लॉग का अब यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, तो एक तो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो रख ही नहीं सकते क्योंकि लॉग एक्स जीरो पे डिफाइंड ही नहीं, तो एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है ये 1, 0 और -1, 0, ये पॉइंट रखने से यहाँ क्या मिल रहा है? 1 पे भी इन्फिनिटी, -1 पे भी इन्फिनिटी, तो मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ जीरो बन गया है ना, लॉग वन क्या होता है? जीरो होता है, तो एनी नंबर अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो 1 पे भी ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी दे रहा है, -1 पे भी दे रहा है, तो देर आर 3 पॉइंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ईजी था? यदि इफ यू नो द ग्राफ, हम पूरा एक फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हर एक ग्राफ को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है कोडोमेन, कौन सी चीजें क्यों होती है, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस साइन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन में, क्या है ये कंटिन्यूस है, ठीक है? अपने पूरे डोमेन में, तो अपन को निकालना है एफ जीरो की वैल्यू, ठीक है? मतलब ये कोई फंक्शन दे दिया, इसने बोला पूरे डोमेन में ये क्या है? कंटिन्यूस है। फाइंड एफ जीरो, अपन को जीरो पे उस फंक्शन की वैल्यू, ऑप्शन 2/3, 1/3, ठीक है, और 1/4, नन ऑफ दीज। अब देखो ये जो फंक्शन दिया है ये क्या बोला है? हर जगह कंटिन्यूस है, तो अब यहाँ पे पहले तो इसकी वैल्यू लिखो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, इसमें लिमिट पुट नहीं कर पा रहे, ठीक है? लिमिट पुट करने में क्या दिक्कत हो रही है बताओ? और ये एक है ना नॉन जीरो पे दे रखा है, ठीक है? नॉन जीरो पे दे रखी है, और एफ जीरो की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है? क्योंकि वरना यहाँ पे होगा नहीं। ये आपका फंक्शन ये काम होता है जब एक्स क्या हो जाए? नॉन जीरो। नॉन जीरो के वो फंक्शन है जीरो पे फंक्शन की वैल्यू दी नहीं है, पर ये चीज बोल दी है कि नॉन जीरो पे वो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है हर जगह, तो मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी? सेम ही होगी, और हमें नॉन जीरो पे एक्स पे ये फंक्शन काम में आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे उसकी वैल्यू निकाल देंगे, समझ गए ना? वो वही होगी जो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, इज दैट क्लियर? तो हमें क्या निकालना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, भले राइट हैंड लिमिट निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, जो आंसर होगा वही फंक्शन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ आपने चेक करा क्या ले बताओ? एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ, ठीक है?
तो x इक्वल्स टू जीरो पे एफ एक्स का, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस लिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ से आपका 2x माइनस, अब यहाँ तुम्हारे इन्फिनिटी बन रहा है क्योंकि यहाँ जीरो लिखा, ये जीरो बन रहा है। साइन इनवर्स जीरो भी क्या होता है, जीरो ही आता है, मतलब इनवर्स का मतलब हो गया अंदर अपन एंगल की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं और एंगल निकल के आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो ही होती है। टेन भी टेन जीरो जीरो ही होता है, ठीक है, तो जीरो अपॉन जीरो मिल रहा है। तो अब यहाँ पे तुम्हें लिमिट में तुम एक्सपर्ट हो, ऐसे दो तरीके हैं कि यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिया, तो यह चलो मैं तुम्हें फॉर्मूला ही लिखा दूँ तुम्हारे लिए इजी है, माइनस ए साइन इनवर्स एक्स हो गया अपॉन एक्स हो गया, और यहाँ आपने एक्स कॉमन ले लिया, टू प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन। तो यदि आपके लिमिट अच्छे से पड़ी हुई है तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स x अपॉन x और इक्वल्स टू वन, और सेम ये क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टेन अपॉन x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एल हॉस्पिटल से निकाल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ जैसे ही लिखा ना जीरो, जीरो बटा जीरो हो गया, तो एल हॉस्पिटल मतलब ऊपर वाले का भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले के भी, नीचे वाले का हो जाएगा x का हो गया वन, साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जैसे ही पुट करोगे ये वन आ जाएगी, सेम है यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया वन, इस बार एक्स की जगह जीरो पुट करते क्या आ जाएगी वन, दोनों की वैल्यू है ना इसकी वन इसकी वन, और एक्स से तो एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो टू माइनस वन वन बचा और टू प्लस वन बाई थ्री, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाली है वही फंक्शन की वैल्यू होगी क्योंकि दे रखा है एक कंटिन्यूस है, एक्सैक्टली इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, बाकी का आपका ध्यान।